सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। ये सिर्फ जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन देख रहे हैं कि लगातार 6200 के ऊपर सस्टेन होकर चल रही है। हमने सोयाबीन में गिरावट भी आते हुए देखी है, 6800 तक लेवल्स भी आते हुए देखे हैं, लेकिन अब देख रहे हैं कि पिछले 2 से 3 दिनों से सोयाबीन 6200 पर सस्टेन हो रखी है, ज़्यादा मंदी तेज़ी देखने को नहीं मिली है, यहीं पर स्टक हो गई है। आपको क्या लगता है सोयाबीन में आगे कैसा रुझान रह सकता है? देखिए, खाद्य तेलों में अगर देखा जाए तो फ्लेश आगे चल के रुझान जो है वो मंदी का दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ से तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और सोयाबीन के अंदर अगर स्पेशली बात करें तो जो रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है वो नीचे में ब्रॉड रेंज की बात करें तो 5800 तक है डाउनसाइड और ऊपर में 6500, तो फिलहाल ये रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है। और अब यहाँ से बाजार सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है कि इसी रेंज में फिलहाल बाजार घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। 6000 से लेकर 6200 मैक्सिमम तेजी अगर मार्केट में आएगी, 6500 तक सोयाबीन जाती हुई दिखाई दे रही है अभी फिलहाल के लिए, इससे ज्यादा फिलहाल तेजी नहीं है। और नीचे में 6000 से लेकर 5800 का स्तर बनता हुआ दिखाई दे रहा है जी।